आवाज आ रही है सुजल सतीश? यस ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग कहां तक डिस्कस किए थे इलिप्स में? इलिप्स स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, इलिप्स से स्टार्ट किया था ना। देखो क्या तो लास्ट टाइम एलिप्स में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ चुके हैं ना टिल नाउ। एक तो डेफिनेशन पार्ट कर चुके हैं, स्टैंडर्ड पार्ट कर चुके हैं और एक जनरल कंडीशन भी क्लियर कर चुके हैं। Yes.
सर हाँ बोलो। लास्ट क्लास का थोड़ा रिवाइज कर देते क्या? ठीक है लास्ट क्लास का रिवाइज करवाता हूँ। ठीक है सो अभी तक बेसिकली ये सारी चीजें ना हम लोग इलिप्स में पढ़ चुके हैं, सो इनको थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं ना अभी याद हो जाए। सो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पार्ट को क्लियर करते हैं। डेफिनेशन पार्ट में क्या होता है आपके पास एक लाइन होती है, फिक्स्ड लाइन होती है ना, और एक फिक्स्ड पॉइंट आपके पास होता है एस अल्फा कॉमा बीटा लेडर्स से, और ये लाइन आपका एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो। हम लोग एक पी मूविंग पॉइंट लेते हैं और पी का डायरेक्ट्रिक्स और फोकस इस फिक्स पॉइंट को क्या नाम दे रहे हैं? फोकस। और इस फिक्स लाइन का नाम क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स तो हम लोग को ना रेशियो रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ पी Distance of P from focus to its distance from line line which is directrix। ठीक है is less than one less than one then locus of P is ellipse। अगर ratio ratio किसका distances का P के moving point के distances का अगर ratio आपका कितने से कम हो जाए आपका वन से कम हो जाए है ना तो हम लोग उस केस में इलिप्स बोलते हैं। पीएस अपॉन पीएम के डिस्टेंस का जो रेशियो है इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसेंट्रिसिटी कहते हैं ना, इसको हम लोग इसेंट्रिसिटी कहते हैं। और इलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी कितना होता है? वन से छोटा। Eccentricity is less than one in ellipse। फिर हमने बोला कि जनरल इक्वेशन इलिप्स की कैसी होती है? जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई dy square 2gx 2fy plus c equal to 0 है। ठीक है अगर ये इक्वेशन इलिप्स है, इफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन रिप्रेजेंट्स इलिप्स Then हम लोग कह सकते हैं कि h square minus ab जो होगा वो less than zero हो जाएगा। ठीक है इसका उल्टा ट्रू नहीं है। If h square minus ab less than zero है then equation may represent ellipse or a point
और अपॉइंट और नो लोकस। नो लोकस ये सबका नाम मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास कि ये चीजें होती है। इसके बाद हम लोग आ गए थे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इलिप्स में हमने देखा था कि अगर मेरा हॉरिजॉन्टल इलिप्स है उसमें बेसिकली दो फॉर्म आते थे ना, एक इस तरह से हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनता था और दूसरा वर्टिकल इलिप्स बनता था ना। एक हॉरिजॉन्टल बनता था, एक वर्टिकल बनता था। ये हॉरिजॉन्टल है और इसको हम लोग वर्टिकल कहते थे, ठीक है। दोनों का जो इक्वेशन होता था वो सेम पैटर्न पे होता था। इसका भी इक्वेशन था एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, बट इसमें आपका a स्क्वायर का वैल्यू b स्क्वायर से बड़ा होता। इस केस में भी आपका इक्वेशन होता था x स्क्वायर बाय a स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, बट इस केस में आपका b स्क्वायर का वैल्यू a स्क्वायर से बड़ा होता है ना। और जो बिगर क्वांटिटी होती थी उसको कुछ इस तरह से हम लोग देखते हैं। बेसिकली स्मॉलर क्वांटिटी को बिगर क्वांटिटी के टर्म में लिखते हैं ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर। और इस केस में अगर आप देखोगे तो लिख सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर टाइम्स वन माइनस ई स्क्वायर। So, यहां पे इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला था रूट ओवर वन माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और यहां पे इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बनेगा वन माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, मतलब वन माइनस स्मॉलर बाय लार्जर लेंथ, ठीक है। अब दोनों डायग्राम में अगर हम लोग नामकरण की बात करते हैं तो यहां पे दो वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, ए ए डैश, दो वर्टेक्स होते हैं। इसके पास ना दो डायरेक्ट्रिक्स भी होते हैं, ये याद रखना चाहिए, डायरेक्ट ट्राइसेस। दो डायरेक्ट्रिक्स होती है, x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई ई लाइन। दो फोकस भी होती है, प्लस माइनस ए ई कॉमा जीरो। सेंटर भी होता है, जीरो कॉमा जीरो। वर्टाइसेस,
प्लस माइनस ए कॉमा जीरो ट्रांसवर्स एक्सिस लेंथ या मेजर एक्सिस लेंथ, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ए ए डैश, जो कि ये 2a के बराबर होता है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये आपका सेंटर से गुजरने वाला लाइन होता है PB डैश। और ये 2b के बराबर होता है। फिर आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ एला 2b स्क्वायर बाई ए, स्मॉल का स्क्वायर बाई बड़ा 2b स्क्वायर बाई ए, ठीक है। और अगर वर्टिकल में हम बात करें तो यहाँ पे सिंपली क्या चेंज कर देना, कोऑर्डिनेट में x और y को एक्सचेंज कर ले और x को y बना दे इक्वेशन में। देखिए डायरेक्ट ट्राइसिस, y इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ई फोकाई 0 कॉमा प्लस माइनस बी, सेंटर सेम है 0 कॉमा 0 पे वर्टाइसेस 0 कॉमा प्लस माइनस बी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2a, और फिर आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इतना बेसिक पार्ट ना आपको क्लियर होना चाहिए। ये लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था और मैं बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाकर के डायरेक्ट जो है रिजल्ट लिख दिया, ठीक है। और ये पार्ट का हमेशा हम लोग यूज करते रहेंगे। इस पे आपको मैंने न्यूमेरिकल भी करने को कहा था, है ना, शायद आप लोग किए हैं या फिर नहीं भी किए होंगे, लेकिन न्यूमेरिकल लगाते चलो, उससे आपको रिविजन करने में आसानी होगी, आप पूरा मॉड्यूल कर सकते हैं। देखिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग इसेंट्रिक पॉइंट पे जाएंगे या फिर इसेंट्रिसिटी पर जाएंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म, देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, इसी में हम लोग इसेंट्रिक एंगल भी डिस्कस कर लेंगे।
ये मेरा y इक्वल टू जीरो लाइन है, ये आपका x इक्वल टू जीरो लाइन है, और ये अंदर की जो पार्ट है ये आपको इलिप्स से दिखाया गया है, और ये एक सर्कल जो है वो इलिप्स के वर्टेक्स से पास कर रहा है, a डैश और a, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं कि हमारा एक इलिप्स है और यहाँ पे उसके वर्टेक्स ए और ए डैश है, लेट ए डैश एंड ए बी वर्टाइसेस ऑफ इलिप्स x square by a square, y square by b square equal to 1, ठीक है। यहाँ पे हम लोग हॉरिजॉन्टल का केस लेकर के चल रहे हैं, a square greater than b square, ठीक है। draw a circle with a dash a, draw a circle with a dash a as its diameter, a dash a को diameter मानते हुए एक circle draw कर, ठीक है। इस circle का ना एक special नाम है, इस सर्कल को हम लोग ऑक्सिलरी सर्कल कहते हैं, द वेरी सर्कल, सर्कल इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। इस सर्कल का क्या नाम है स्पेशल, ऑक्सिलरी सर्कल, ये सब पूछता है, ठीक है, कि ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन क्या है। मतलब सिंपल सिंपल केसेस में, ऐसा नहीं कि बहुत ब्रॉड केसेस में आपसे पूछा जाएगा, लेकिन ये सब पूछा जा सकता है। तो फिर देखो, अगर ये ऑक्सिलरी सर्कल है तो अब हम क्या करना चाहते हैं, इस सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, इस सर्कल पे मेजर एक्सिस से थीटा एंगल पर, है ना, ऑक्सिलरी सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट हम लोग क्यू ले सकते हैं, एक पॉइंट क्यू ले लिया, ठीक है। तो अब देखो क्यू का कोऑर्डिनेट हम कैसे लिख सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को सर्कल का इक्वेशन चाहिए, कि सर्कल का इक्वेशन क्या है। तो हम यहां पे कहेंगे कि हमारा सर्कल लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर बी द ऑक्सिलरी सर्कल, सर्कल फॉर द इलिप्स तो ये k का वैल्यू कुछ फिक्स होना चाहिए ना, ये सर्कल कहां से पास करेगा, ये सर्कल आपका a कॉमा जीरो से पास करेगा,
ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ए कॉमा जीरो हो जाएगा। अगर हम ए कॉमा जीरो रखेंगे तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, है ना। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर पासेस थ्रू ए कॉमा जीरो, तब तो ये रेडियस हो गया ना, इसलिए के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। सी है, मैं के स्क्वायर को दो तरीके से, एक तो मैं इसको रेडियस बना करके बोल रहा हूँ कि वो ए स्क्वायर हो जाएगा, दूसरा हम डायरेक्टली ना इससे पास करवा देंगे तो भी मेरा काम चल जाएगा। अब मैं सर्कल यहाँ पे बनाया था, इसकी सेंटर कहाँ पे होगी, ओरिजिन पर होगी, क्योंकि इसको डायमीटर मान रहे हैं और डायमीटर मान रहे हैं तो ये इलिप्स का दोनों वर्टाइसेस का कोऑर्डिनेट हमको पता है ना। तो इस तरह से हर एक चीजों को कंसीडर करके हमने जो है सर्कल का इक्वेशन फाइंड कर लिया। सो ऑक्सिलरी सर्कल का इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। नाउ फॉर सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू कैन बी टेकन एज, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू कैन बी टेकन एज, अगर ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस पूरा कितना है रेडियस के बराबर, दैट इज ए के बराबर है, तो क्यू का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए यहां से परपेंडिकुलर ले लीजिए, ये डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए और ये वर्टिकल डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं, है ना, ये वर्टिकल डिस्टेंस भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो बताइए क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, क्यू का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। A cos theta, A sin theta इसका coordinates हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग लिख लेते A cos theta, A sin theta। अब क्या करना, Q से ना perpendicular ले लेना, take perpendicular from Q to the major axis, take इसको हम QM ले सकते हैं, एक क्यूएम परपेंडिकुलर टू ए ए, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि क्यूएम जो है परपेंडिकुलर ले लेंगे मेजर एक्सिस के, ठीक है, एंड लेट क्यूएम इंटरसेक्ट, लेट क्यूएम इंटरसेक्ट इलिप्स एट पी। अगर इलिप्स को ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब पी पॉइंट क्या है, यही ना है, ठीक है। सो P point must have x coordinate equal to a cos theta and y coordinate remains to be found out. तो मैं मान लिया इसको some value y के बराबर। On satisfying the equation of the ellipse, we get y equal to plus minus b sin theta. प्लस माइनस बी साइन थीटा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर ए कॉस थीटा आपका थीटा एक्यूट है तो वाई क्या लेना चाहिए, बी साइन थीटा। देखिए अगर पी पॉइंट लिप्स पर का पॉइंट है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन के स्टेप्स में छोटा सा दिखा देता हूं, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया,
y square equal to b square times 1 minus cos square theta. तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस b sin theta. बट y का वैल्यू हम लेंगे क्या, पॉजिटिव है ना. देयरफॉर b का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a cos theta कॉमा b sin theta. ये जो आपका थीटा एंगल है ना, इसी थीटा एंगल को इसेंट्रिक एंगल कहते हैं. टर्मिनोलॉजी ध्यान रखेंगे, थीटा को हम लोग इसेंट्रिक एंगल कहते हैं. पॉइंट पी, ठीक है, इस पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल है. मतलब अगर हमें इसेंट्रिक एंगल पता होगा तो मैं पॉइंट बता पाऊंगा, अगर पॉइंट पता होगा तो मैं उसकी इसेंट्रिक एंगल फाइंड कर सकता हूं, ठीक है. सो अभी अभी हमने डिस्कशन क्या क्या किया है थोड़ा एक बार रिकैप कर लेते हैं. हमने a डैश a को विलिप्स का वर्टेक्स समझा और उस वर्टेक्स पर हमने एक सर्कल ड्रॉ करी. सर्कल का नाम है ऑक्जुलरी सर्कल. सर्कल क्या है, ऑक्जुलरी सर्कल, ठीक है. इस ऑक्जुलरी सर्कल का इक्वेशन क्या है, इसका सेंटर सेम होता है जो इलिप्स का सेंटर होता है. सो अपने केस में स्टैंडर्ड इलिप्स हमने लिया है जहाँ पे a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर लिया गया है. इसका मतलब हॉरिजॉन्टल का केस है. सेंटर 0.0 मतलब सर्कल की भी सेंटर क्या हो जाएगी, 0.0 हो जाएगी. रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस आपका हो जाएगा ओ ए के बराबर. मतलब यहाँ पे अगर ओ है तो ओ ए के बराबर है ना, सेमी सेमी मेजर एक्सिस के बराबर रेडियस हो जाएगा. अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि इस सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट लिया जा सकता है, क्यू पॉइंट लिया जा सकता है, ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा. ये जो पॉइंट हमने सेलेक्ट किए हैं ये पैरामेट्रिक पॉइंट है, राइट. ये जो पॉइंट हमने सेलेक्ट किए हैं, क्यू का स्ट्रक्चर जो सेलेक्ट किया गया है, ये पैरामेट्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये पैरामेट्रिक स्ट्रक्चर है. अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे थीटा मेरा पैरामीटर है, थीटा चेंज होगा पॉइंट चेंज होगा. मैं बोल रहा हूँ कि क्यू से मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर लेंगे और ये परपेंडिकुलर अगर P पे इंटरसेक्ट करता तो P का x कोऑर्डिनेट वही होगा जो आपका Q का x कोऑर्डिनेट होगा, दैट इज a cos थीटा. a cos थीटा के बाद आपका क्या हो रहा है, y कोऑर्डिनेट पता नहीं उसको मान लेंगे और ये P पॉइंट चूंकि इलिप्स पे इंटरसेक्ट, इलिप्स पर का पॉइंट है तो इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई करके y हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है. और यहां से हमने बोला कि P का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ठीक है. यहाँ पे थीटा को क्या कह रहे हैं, इसेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट p कह रहे हैं. और पॉइंट p किस फॉर्म में, थीटा पे. थीटा जैसे जैसे चेंज करेगा p का वैल्यू चेंज करता जाएगा. तो हम लोग यहाँ पे थीटा को पैरामीटर मानते हुए क्या बोलते हैं, ये पैरामेट्रिक पॉइंट है. थीटा इज पैरामीटर, हेंस पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज a cos theta b sin theta, ठीक है. ये इसका पैरामेट्रिक फॉर्म. अब देखो क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म, इसको हम क्यों कह रहे हैं a cos theta b sin theta, क्योंकि ये ऑल टाइम सेटिस्फाई कर रहा है. अब अगर मेरा शिफ्टेड इलिप्स आ गया तब
फॉर एलिप्स, एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, वाई माइनस बीटा स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इक्वल टू वन। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा, सोच सकते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म आप सोचो ना, यहाँ पे कॉस थीटा बनाना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनाना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा प्लस अल्फा, और यहाँ पे बी साइन थीटा प्लस थीटा, बी साइन थीटा प्लस थीटा। यहां तक समझ में आया, पैरामेट्रिक फॉर्म तक। शिफ्टेड इलिप्स किसी भी फॉर्म में रहे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, या नॉन शिफ्टेड इलिप्स रहे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, दोनों केस में इसी तरह से पैरामेट्रिक स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। और ये पैरामेट्रिक स्ट्रक्चर आपको याद रहना चाहिए, इसकी कई बार ना जरूरत पड़ती है, इसकी कई बार जरूरत पड़ती है। तो मैं क्या करता हूं, अभी एक एग्जांपल लेता हूं, लैटिस रेक्टम के फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंड है उसके लिए मैं थीटा फाइंड करने की कोशिश करता हूं। फाइंड इसेंट्रिक एंगल of end of lattice rectum in first quadrant, for ellipse x square by a square, y square by b square equal to 1 if a square greater than b square। तो हम क्या कहेंगे, लैटिस रेक्टम का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, लैटिस रेक्टम कोऑर्डिनेट्स आपका हो जाएगा ए टाइम्स ई और बी स्क्वायर बाय ए, क्योंकि इसका डबल क्या होता है, इसका डबल ही तो लैटिस रेक्टम का लेंथ होता है और वो फोकस से पास करता है, इसलिए ए कॉमा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। कंपेयर दिस थिंग विथ ए कॉस थीटा इक्वल टू ए ई, बी साइन थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ए, अब देखो क्या है? यहां पे लैटिस रेक्टम कम है, लेंथ गड़बड़ क्या ले रहा है, क्या डिराइव किए थे लैटिस रेक्टम का लेंथ,
बी स्क्वायर बाय, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ई है, या साइन थीटा की वैल्यू बी से बी कैंसिल डी बाई ए, दोनों में से किसी से भी आप इस एंट्री मतलब फाइंड कर सकते हो, मतलब ये इक्वेलेंट है, कॉस थीटा बराबर ई, साइन थीटा बराबर बी बाई ए, ये दोनों चीजें ना इक्वेलेंट है, तब तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू वन। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ऐसा होता ही है ना, ये गलत बात नहीं है, सही है। इसका मतलब थीटा कहीं से भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब जो अनुमान था 45 डिग्री ये सब चूर हो गया, हम लोग सोच करके चल रहे थे कि 45 वगैरह मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं मिला, मतलब इसेंट्रिसिटी में कॉस इनवर्स लगा दोगे तो थीटा मिल जाएगा ना, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स इसेंट्रिसिटी, या फिर थीटा इक्वल टू हम ये कह सकते हैं साइन इनवर्स डी बाई ए, दोनों सेम चीज है। आप टेन के केस में भी बता सकते हो, कई बार टेन के फॉर्म में बताया जाता है, सो हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा, दोनों को मिला करके टेन थीटा लिख सकते हैं, और वो हो जाएगा बी बाई ए। कई बार ना थीटा को टेन के इनवर्स में भी लिखा जा सकता है, टेन इनवर्स बी बाय ए लिखा जा सकता है। अब देखो क्या इनवर्स वगैरह तो हम लोग फाइंड कर लिए है ना, इसेंट्रिक एंगल भी पता चल गया, पैरामेट्रिक फॉर्म भी पता चल गया, एक मिनट बच्चा, हेलो, हाँ तो हम लोग एक क्वेश्चन उठा लेते, सिंपल सा क्वेश्चन उठा लेते, ठीक है। एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ग्रेटेस्ट रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन एन इलिप्स, in an ellipse x square by a square y square by b square equal to 1, ठीक है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इस ellipse पर जो भी points होंगे यार, जो भी आपका रेक्टेंगल बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, है ना, कुछ इस तरह से रेक्टेंगल बनेगा। तो अब बताओ हम किसी एक पॉइंट को
अगर ए नेम किए हो तो इसका इसेंट्रिक एंगल कंसीडर करते हुए कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा लिख सकता हूं ना। तो अगर ये पॉइंट मेरा बी है, ये पॉइंट मेरा सी है, ये पॉइंट मेरा डी है, ठीक है, तो इस बी पॉइंट का ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को कंसीडर करते हुए क्या लिखना चाहिए। चूंकि ये रेक्टेंगल है, चूंकि सिमेट्रिक डायग्राम है, तो ए बी क्या हो जाएगा आपका वाई इक्वल टू जीरो लाइन के पैरेलल हो जाएगा। सो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा, एक्स वाला अंतर पड़ जाएगा, माइनस ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। सी का अगर पता करें तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और वाई भी बदल जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा। सो एरिया क्या हो जाएगा, ए बी इंटू सी डी हो जाएगा ना। ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू इंटू ए कॉस थीटा और टू इंटू बी साइन थीटा हो जाएगा सी डी का वैल्यू। सो ये बन गया आपका टू ए बी साइन टू थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा मिलकर के टू ए बी साइन टू थीटा। सो मैक्सिमम एरिया कितना हो जाएगा, जब थीटा का वैल्यू 45 होगा साइन टू थीटा 1 होगा, सो मैक्सिमम एरिया 2 टाइम्स ए बी के बराबर हो जाएगा। काफी सिंपल सवाल है ना। पैरामेट्रिक फॉर्म में कुछ बड़ा नहीं है ना, आसानी से काम किया जा सकता है। अब हम लोग पॉइंट और इलिप्स की डिस्कशन करेंगे कि पॉइंट और इलिप्स में कैसा रिलेशन है। अगर मैं इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करूं तो हमारे पास एक पी पॉइंट है x1, y1 और मेरा इलिप्स का जो स्ट्रक्चर है x2 a2 y2 b2 -1 = 0। यहां पे पॉइंट कब अंदर होगा कब बाहर होगा वो डिस्कशन करना। तो ये बिल्कुल ना सर्कल की तरह इस मामले में बिहेव करता है। सो कैलकुलेट एसपी, एसपी क्या हो जाएगा आपका x1 square by a square y1 square by b square -1 इफ एसपी ग्रेटर देन 0 हुआ, P क्या हो जाएगा आउटसाइड। अगर SP इक्वल टू 0 हुआ तो P कहां होगा, ऑन पेरिमीटर ऑफ इलिप्स है ना, ऑन सर्कमफेरेंस। और अगर SP आपका लेस देन 0 हुआ तो P कहां पे हो जाएगा, आउटसाइड इनसाइड इलिप्स, एकदम सर्कल की तरह बिहेव करता है इनसाइड इलिप्स। इस पे बहुत ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना चाहिए, सिर्फ इतना याद रखे रहना चाहिए, ठीक है। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनता। ये पहले पॉइंट की डिस्कशन होगी कि ये पॉइंट्स है।
अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो पॉइंट इलिप्स पर है उसका क्या प्रॉपर्टी है। वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टी ऑफ पॉइंट्स ऑन इलिप्स। ध्यान सुनिएगा, देखिए हमने एक इलिप्स लिया और इसके डायरेक्ट्रिक्स को ले लिया। अगर हम इसके एक्सिस को दिखाए तो कुछ इस तरह से होगा, तो यहां पे फोकस भी तो होगा। ठीक है, ये दोनों फोकस हो गए और ये आपका इलिप्स हो गया डायरेक्ट्रिक्स। डायग्राम से पता चल रहा है कि हमारा इलिप्स क्या है ना, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, y स्क्वायर बाय b स्क्वायर, माइनस वन इक्वल टू जीरो और ये s, जहां पर आपका a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर। अब अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं इलिप्स पर, लेट अस से एक पॉइंट हमने लिया है P पॉइंट, तो P पॉइंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लिया कि ये मेरा P पॉइंट है कहीं पर, तो अब हम इसको क्या करेंगे, मिलाएंगे और ये आपका M डैश हो गया। और ये आपका M होगा। अब ध्यान से देखिए, बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स PH डैश बाय PM डैश किसके बराबर होगा, इसेंट्रिसिटी के बराबर होगा ना। तो हम यहां से लिख सकते हैं, हम यहां से क्या लिख सकते हैं, PH डैश इक्वल टू E टाइम्स, उल्टा में लिख दे नहीं, उल्टा हो गया, हाँ पी एस बाई पी एम लगता ठीक ही चल रहा था।
ई हो गया, हम यहां से लिख सकते हैं पीएच डैश इक्वल टू ई टाइम्स पीएम डैश फर्स्ट। सिमिलरली बाय डेफिनेशन ऑफ फिलिप्स पीएस बाय पीएम इक्वल टू इसेंट्रिसिटी। यहां पर ध्यान आप दे सकते हो कि जब मैं पी का मेजरमेंट, जब मैं पी के डिस्टेंस का मेजरमेंट लेफ्ट फोकस से लिया हो तो मैं पी के डिस्टेंस का मेजरमेंट भी लेफ्ट डायरेक्ट्रिक्स से लिया, जब मैं पी का डिस्टेंस राइट फोकस से लिया हो तो मैं पी का डायरेक्ट्रिक्स जो भी है डिस्टेंस वो राइट डायरेक्ट्रिक्स से कंसीडर किया गया। ये ध्यान रखे ना, ये करस्पॉन्डिंग फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। तो पी एस बाई पी एम इक्वल टू ई हो जाएगा और यहां से हम लोग लिख सकते हैं पी एस इक्वल टू ई टाइम्स पी एम। सेकेंड इक्वेशन ऐड करें पी एस प्लस पी एस डैश फाइंड करें ई कॉमन पी एम डैश या पी एम प्लस पी एम डैश, पी एम प्लस पी एम डैश, ये चूंकि दोनों जगह पे 90 डिग्री बना रहा, मतलब ये रेक्टेंगल हो गया ना, तो ये तो हमें लग रहा है कि दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस हो गया नहीं। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी एस डैश एंड पी एस का समेशन e टाइम्स दोनों डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस 2a by e और e से e कैंसिल आउट हो गया। सो ps प्लस ps डैश इक्वल टू 2a। ये 2a क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है ना, ये 2a क्या है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मतलब क्या है कि एलिप्स पर कोई भी पॉइंट हम लेंगे उसके सरकमफेरेंस पर इस पॉइंट का फोकल डिस्टेंसेस जो होंगे उनके समेशन हमेशा कांस्टेंट होंगे। सम ऑफ फोकल डिस्टेंस, सम ऑफ फोकल डिस्टेंसेस ऑफ पी एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस is constant और ये constant कुछ और नहीं है, ये constant आपका length of major axis है। constant equal to length of मेजर एक्सिस, ये ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये चीजें आती है ज्योमेट्री में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोग उस समय तक ये चीजें पढ़े नहीं थे इसलिए आपको बताया नहीं गया होगा, ठीक है, और बताया गया तो बहुत अच्छी बात, लेकिन बिना जानकारी के बताना ठीक भी नहीं है इसलिए बताया नहीं गया होगा मेरे हिसाब से। तो मैं थोड़ा सा इसमें हिंट करता हूं, इसके बेसिस पर ना एक न्यूमेरिकल मैं लेता हूं, इसके बेसिस पर मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूं, फाइंड लोकस ऑफ पी इफ इफ
फाइंड लोकस ऑफ पी इफ ए पी प्लस ए डैश पी इज ऑलवेज इक्वल टू 8 यूनिट वेयर ए डैश इज माइनस 1,0 एंड ए इज 1,0। ध्यान से देखो क्या है, समेशन ऑफ पी पॉइंट मूविंग पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज कॉन्स्टेंट। Sum of distances of moving point from two fixed point is constant. है ना, अगर हम दो फिक्स्ड पॉइंट को फोकस से कंसीडर कर ले तो ये इलिप्स का प्रॉपर्टी है ना। सो बेसिकली यहाँ पे लोकस होगा क्या, वो इलिप्स होगा। हम लोग प्रॉपर्टी अगर ऊपर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करें तो लोकस मेरा क्या होगा, लोकस इज इलिप्स विथ फोकाई at a dash and a and major axis equal to theta। समझ गए, ये लोकस क्या होगा, इलिप्स होगा जिसका फोकाई कहां पर है, a dash a पर, मेजर एक्सिस आ गया। अब मैं कैसे पता करूंगा कि इस इलिप्स का इक्वेशन कैसे फाइंड करना है ना, तो हम लोग इस इलिप्स की ना इक्वेशन फाइंड करेंगे, इलिप्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये मेरा कोई ए डैश पॉइंट है माइनस 1,0 पर, ये मेरा ए पॉइंट है 1,0 पर, ठीक है। तो ये दोनों फोकस है, इसका मतलब ये वाई इक्वल टू जीरो लाइन जो बना है फोकस को ज्वाइन करने वाला लाइन, यही तो मेजर एक्सिस हो गया, मेजर एक्सिस है ना। इस बार मैं वर्टेक्स नहीं लिया हूं, ध्यान दे आप, नोट हियर ए डैश एंड ए आर नॉट वर्टाइसेस, ए डैश एंड ए आर नॉट वर्टाइसेस, ठीक है। एनीवे सेंटर ऑफ द इलिप्स क्या होगा, दोनों फोकस का मिड पॉइंट, तो यहां पे हम लोग सेंटर को पहले डिनोट कर देंगे। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, 0,0। तो इलिप्स मेरा हॉरिजॉन्टल है, सेंटर 0,0 पर है, इसका मतलब इलिप्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा, इलिप्स का स्ट्रक्चर होगा एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब रही बात ए का वैल्यू क्या होगा, हम लोग को इंफॉर्मेशन दिया गया मेजर एक्सिस का लेंथ ना 8 होता है यहां पे। अरे अभी सब काम मत करो, क्लास चल रहा है, चंदन क्लास खत्म होने दो। देखो यहां पे हम लोग ना ए और बी की जगह पर कुछ नया वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, उससे क्या होगा कन्वीनियंस रहेगा ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। सो इनको मैं इरेज कर रहा हूं और इसके जगह पर टी एंड एस में नाम यूज करता हूं, बेटर होगा। ये हो गया टी स्क्वायर, ये हो गया एस स्क्वायर, यहां पे टी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन एस स्क्वायर तभी जाकर के ये हॉरिजॉन्टल बनेगा। और यहाँ पे टी टू टी का वैल्यू कितना दिया हुआ हम लोग को, 8 दिया हुआ। सो टी का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। ये मेजर एक्सिस होता है ना, मेजर एक्सिस,
तो टी का वैल्यू 4 हो गया। सो रही बात एस हम कहां से लाएंगे, एस हमारे पास है नहीं। तो आप देखो टी का वैल्यू 4 हो गया, यहां पे जो फोकस बनेगा, फोकस का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, राइट वाले फोकस का टीई कॉमा 0 होगा। सो टी का वैल्यू हमारे पास 4 है और टीई का वैल्यू कितना है देखो तो 1 है ना, यही ना हो जाएगा टीई कॉमा 0। सो टीई का वैल्यू 1 हो गया, सो इसेंट्रिसिटी कितना हो गया 1/4। सब कुछ मिल गया, डी स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब एस स्क्वायर। सो एस विल बी इक्वल टू ए टाइम्स रूट ओवर 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पे टी लिखना पड़ेगा, एक ही जगह पर टी लिखना पड़ेगा, अब फार्मूला रिलेट करना, ठीक है। सो एस विल बी इक्वल टू टी का वैल्यू 4 है रूट ओवर 1 माइनस 1/4। तो यहां से हो गया आपका रूट ओवर 15 एस का वैल्यू। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ फिलिप्स क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाय 16 वाई स्क्वायर बाय 15 इक्वल टू 1। एक बार 2 मिनट जस्ट देख ले फटाफट क्या क्या करना है इसमें, ध्यान क्या क्या देना है। कभी भी इस तरह का लोकस आपसे पूछता है कि AP plus A dash P equal to 8 and A dash और A आपका फिक्स पॉइंट है, तो इस केस में ज्यादातर केस में लोकस क्या बनता है, इलिप्स बनता है। मतलब हर एक केस में इलिप्स नहीं बनेगा है ना, लेकिन मैक्सिमम केस में क्या बनता है, इलिप्स बनता है। इलिप्स बनने का कंडीशन क्या है, कंडीशन सिर्फ इतना है ये P पॉइंट जो भी हम ले रहे हैं इसका अगर सम ऑफ डिस्टेंसेस देखे तो देखो वो कितने से ज्यादा आना चाहिए। ये यहाँ पे जब जब ट्रायंगल बनेगा तब तब इलिप्स इक्वेशन आएगा। सो ट्रायंगल बनने का कंडीशन ये हो गया कि पी ए डैश प्लस पी ए मस्ट बी ग्रेटर देन 2 यूनिट, मतलब ये 2 यूनिट से अगर बड़ा हुआ, इस केस में एपी प्लस ए डैश पी अगर 2 यूनिट से बड़ा हुआ, ए डैश से बड़ा हुआ, तो उस केस में इलिप्स बनेगा। सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज कांस्टेंट, ठीक है, वो कांस्टेंट होगा और वो किससे बड़ा होगा, 2 यूनिट से। मैं ऐसा भी दिखा सकता हूं ऑल्सो एपी प्लस ए डैश पी इज ग्रेटर देन ए डैश, तो इस केस में इलिप्स बनता है, ठीक है। देयरफॉर लोकस इज इलिप्स विद फोकाई एट ए डैश एंड ए एंड मेजर एक्सिस। अब आपके हुनर पर है, आपको 2 फोकस दिया गया है, फोकस से आप सेंटर फाइंड कर लोगे। सेंटर जैसे ही मिल गया आप इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख सकते हो, शिफ्टेड फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, और उसमें आप मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस दिखा सकते हो। जो कॉन्स्टेंट डिस्टेंस होता है वो मेजर एक्सिस के बराबर होता है ना, वहां से आपको टी का वैल्यू मिल जाएगा और एस का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इसेंट्रिसिटी मतलब फोकस का कोऑर्डिनेट्स यूज करना पड़ेगा। सो टी के टर्म में अगर हम फोकस का कोऑर्डिनेट्स देखें तो टी कॉमा 0 हो जाएगा। सो टी का वैल्यू हो गया 1 और यहाँ से इसेंट्रिसिटी मिल गया 1/4 और फिर हम लोग यहाँ से एस फाइंड कर सकते हैं फार्मूला लगा करके, और इस तरह से इलिप्स की इक्वेशन मिल जाती है। तो आज हम लोग यही रखेंगे, अगले क्लास में हम लोग टेंजेंट वगैरह ये सब सारा कुछ स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में टेंजेंट वगैरह और उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह को फोकस करेंगे। ओके सर। सो इसको देख करके आइएगा है ना। यस सर। और आप लोग न्यूमेरिकल नाल लगाते जाओ, इन चैप्टर आप कम से कम 1 तो कंप्लीट कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है 1 में, और एक्सरसाइजेस भी आप लगा सकते हो। एक्सरसाइजेस जो है 1A उसको आप 1A तो काफी सारा न्यूमेरिकल कर ही सकते हो।
फर्स्ट पेज कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड पेज भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका 20, हाँ तो सेकंड पेज के 26 न्यूमेरिकल तक कर सकते हो। ओके सर। हाँ मैं लिख देता हूँ, है ना, आप लोग नोट कर लेना, इसको प्रैक्टिस कर लो। हैव अ नाइस डे। बाय सर। थैंक यू सर। सर।